डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए जाने वाले डीप फेक वीडियो को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील मीडिया से की है। शुक्रवार 17 नवंबर को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली के दीप और डीप फेक के दीप को एक दूसरे से जोड़ते हुए कहा कि मीडिया को इस संकट के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। हाल ही में डीप फेक एआई के फोटो वीडियो सामने आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा, डीप फेक भारत के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है जिससे अराजकता पैदा हो सकती है। पीएम मोदी ने मीडिया से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर शिक्षित करने का भी आग्रह किया। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक डीप फेक वीडियो सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी गरबा कर रहे हैं, हालांकि ये वीडियो फेक था। पीएम मोदी ने कहा, एआई के कारण खासतौर से डीप फेक के कारण संकट आ रहा है। इस संकट के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि मैं एक वीडियो में गरबा खेल रहा हूं। मुझे खुद लगा कि क्या बना दिया, पर ये चिंता का विषय है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है और चल रहा है और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी। तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स ए कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए इट्स अ डीप फेक, फिर उसको देखें, आनंद करें, जो करना है करें, लेकिन उस पर आना चाहिए। ऐसा मैंने उन्होंने कहा, साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। कुछ दिनों पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसे लेकर जमकर बवाल मचा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ब्रिटेन के एक मशहूर शख्सियत के वीडियो को एडिट करके उसमें एक्ट्रेस का चेहरा लगा दिया गया था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई की अपील की थी। इसके कुछ दिनों बाद पीएम मोदी का इस पर बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया को इस बारे में लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर का डीप फेक फोटो सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। हालांकि सच्चाई ये थी कि उस फोटो में सारा तेंदुलकर अपने भाई अर्जुन के साथ खड़ी थी, लेकिन डीप फेक का इस्तेमाल कर अर्जुन की जगह शुभमन गिल का चेहरा लगा दिया गया था। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर एक्ट्रेस को अश्लील तरीके से पेश किया गया है। डीप फेक से एडिट किए वीडियो में एक्ट्रेस को कपड़े बदलते हुए देखा जा सकता है। काजोल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।